सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का यहीं से प्रणाम करता हूँ, वो जहाँ भी हैं। बहुत सारे गुरु हमारे इस क्षेत्र में मिले हैं और उन लोगों की विद्वता का तो बखान करना संभव नहीं है, तो मैं उनको यहीं से नमन करता हूँ और वो अपने आशीर्वाद से हमें आशीर्वादित करें और इस प्लेटफॉर्म में हम जो कर सके वो काफ़ी अच्छा कर सके, ऐसा उनका आशीर्वाद रहे जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान किए। थोड़ी सी इस सिस्टम के जर्नी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी इसमें कैसे हुई। 2004 में हमें एक पुस्तक मिला और उसे पढ़ने के बाद ही इस सिस्टम के बारे में पता चला और उसके बाद से मैं दिन प्रतिदिन इसमें अध्ययनरत रहा और ये हमारा प्रयास रहा कि इस सिस्टम को कैसे सीखा जाए और अपने गुरुओं के तलाश में थे और उन लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और मेरी जर्नी शुरू हुई और आज आप लोगों के समीप हैं। अपनी लाइफ में हमने ये देखा कि इस सिस्टम में या होम्योपैथ में हम लोग फेल कहाँ होते, हमें ये देखना होता है और वो सबसे बड़ी चीज है कि हमें बेसिक चीज की जानकारी नहीं होती। जब बेसिक चीज की जानकार हो जाए तो होम्योपैथ जो है वो काफी सिंपल। तो जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन साहब बोले हैं कि होम्योपैथ इज नॉट ओनली साइंस, दिस इज साइंस विथ आर्ट। तो साइंस तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेते हैं लेकिन वो आर्ट नहीं मिल पाता और हमें उसी चीज को समझना, उस आर्ट को, और सभी एक दूसरे को बताने का भी प्रयास करेंगे जो जितना जानते हैं, क्योंकि होम्योपैथ में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, ये गागर में सागर है। आप सोच लीजिए कि गागर में सागर है, आप एक गगरी भर दिए हैं सागर से, यदि आप गलती से उसको उधेड़ देते हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाए, ये इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, तो हमें ये समझ, इसके बेसिक चीज को समझ, हमें केस कैसे लेना है। पेशेंट आता है और बहुत सारा चीज बोल के चला जाता है, लेना क्या है उसमें, उसमें हमें लेना क्या, इस चीज को समझना है। सबसे बड़ी बात वही है कि लेना कैसे है। तो देखिए, हम लोग ऑर्गेनन को छोड़ देते हैं, ऑर्गेनन का जो एफोरिज्म 5 है उसमें मास्टर हैनीमैन साहब का क्या कहना है कि बीमारी कहीं दूसरे जगह से नहीं आता, हमारे सराउंडिंग से आता है। हम जहां रहते हैं, जिस परिवार के बीच रहते हैं, जिस समाज के बीच रहते हैं, जहां हमारा प्रोफेशन है, वहीं से आता है। बीमारी शुरू कहां से, तो
बहुत ही सिंपल में इसको समझना है, बहुत ही सिंपल में समझना है कि जहां मेरे मन मुताबिक काम नहीं होता, जहां मेरे मन मुताबिक काम नहीं होता है, यानी कन्फ्लिक्शन पैदा होता है, तो उस कन्फ्लिक्शन के कारण हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता और वहीं से बीमारी का शुभारंभ होता है। तो ये कन्फ्लिक्शन होता क्या है, कहां से आता है? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो मनुष्य के बीच में ही रह सकता है। यदि आप उसको कहीं बियाबान में या सुदूर इलाके में जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं है, यदि आप वहां छोड़ देते हैं तो क्या होगा? वो कुछ दिन सरवाइव करेगा, उसके बाद मर जाएगा, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। यानी उसको हार्मोनियस सराउंडिंग्स चाहिए, और हम सभी जानते हैं कि हार्मोनी के लिए सात सुर का होना जरूरी है, सारे गामा पादा निशा। यदि सात सुर नहीं है तो वो उससे जो आवाज निकलेगा वो सही नहीं हो, उसमें सामंजस्य नहीं है, ठीक है। उसी तरह से मनुष्य जो है मोर देन वन के बीच रहेगा, जब तक मोर देन वन नहीं रहेगा तब तक उसमें हार्मोनी नहीं आएगी, इसलिए वो मनुष्य के बीच में रहे। आप देखिए, वो जहां भी रहता है, यदि घर में रहता है तो घर में एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, है ना। बाहर में फिर देख लीजिए, समाज में या जहां प्रोफेशन है या फिर रिलीजियस सेक्टर में देख लीजिए या सेक्सुअल सेक्टर में देख लीजिए, तो मोर देन वन चाहिए ही चाहिए मनुष्य को। आर यू गेटिंग? तो क्या है, तो जहां हमारा सामंजस्य नहीं बैठता है तो वो क्या है, जहां कन्फ्लिक्शंस है, तो सबसे पहला डोमेस्टिक कन्फ्लिक्शंस, यानी हम जहां रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं वहां कन्फ्लिक्शंस जब होना शुरू होता है और वहीं से बीमारी शुरू होती है, तो पहला कन्फ्लिक्शंस क्या हुआ, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्शंस। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल और बिजनेस, जहां हम बिजनेस करते हैं, जहां हमारा प्रोफेशन है, वहां का कन्फ्लिक्शंस। तीसरा सेक्सुअल कन्फ्लिक्शंस, वहां भी मोर देन वन होना जरूरी है, क्योंकि एक मेल और दूसरा फीमेल का होना जरूरी है, तो वहां से रिलेटेड कन्फ्लिक्शंस को हमें देखना है। तीसरा रिलीजियस कन्फ्लिक्शंस, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस होते हैं, उनका एक अपना ग्रुप होता है, तो वहां से कन्फ्लिक्शंस पैदा होता है। और पांचवा है स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्शंस, ठीक है। तो यानी पांच सेक्टर है जहां से ये कन्फ्लिक्शंस पैदा होता है, ठीक है।
ऑर्गेनन में एक जगह लिखा हुआ है कि पेशेंट में मॉर्बिडिटी को देखना है। तो यही सारा चीज जो है, जो एक्सट्रीम है, वो मॉर्बिडिटी कहलाता है। तो हमें ये देखना हो कि पेशेंट में क्या मॉर्बिड है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देकर बता रहे हैं कि कभी कभी आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा कि वो दिन भर साफ सफाई में लगे हुए रहती है। क्या आप कह सकते हैं कि सारी महिलाएं इसी तरह करती हैं? नहीं। इसका मतलब है कि ये चीज उस महिला में एक्सट्रीम है। इट मींस इसी से बीमारी फिर क्रिएट होगा। ठीक है, यहीं से बीमारी शुरू हो। यानी हमें पेशेंट में मॉर्बिडिटी को देखना है, वो एक्सट्रीम स्टेट को देखना है। डिजीज का बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। डिजीज मींस, यदि इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो डिस जोड़ इज, जहां हमारा इज है, हमारा जहां कंफर्टेबिलिटी में खलल पड़ रहा है, उसको हमें देखना है। जहां एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज डिजीज। तो वो एक्सट्रीम स्टेट को देखना है। पेशेंट कुछ भी लेकर आए, चाहे वो फीवर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर ही क्यों ना हो, हमने इसी आधार पे कई ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को ट्रीट किया और वो सक्सेसफुल रहा विदाउट ऑपरेशन। तो ऐसे सैकड़ों के संख्या में केस है। तो हमें एक्सट्रीम स्टेट को देखना है और उसे ट्रीट करना है। मास्टर हैनीमैन सर का भी कहना है कि आप एक्सट्रीम को देख लो और उसी अनुसार मेडिसिन जो सिमली माम। चलिए, तो इस चीज को समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि केस को कैसे लिया जाना है, केस में क्या लेना है। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि सर ट्रिपल पी क्या होता है या कार क्या होता है, कंसर्न एडप्टेशन एंड रिएक्शन एंड ट्रिपल पी, प्रेजेंट परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट। थोड़ा सा इस चीज को भी हमें समझ लेना कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो क्या ऐसा चीज है जो उसको लेके आता, कौन सा ऐसा चीज है जो उसको लेके आया, इस चीज को समझना है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक टैक्सी ड्राइवर मेरे पास आया और उसको क्या हुआ था कि अंगूठे में चोट लग गया था। तो वो 5 दिन के बाद मेरे पास आया, 5 दिन के बाद आया। अब देखिए, ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या देंगे, आर्निका माउंट दे देंगे क्या? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आर्निका माउंट देंगे और काम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आर्निका माउंट ही चोट की दवा नहीं है। क्योंकि आप जब देखेंगे, देखिए रेपट्री का जब जनरलिटीज में देखेंगे तो इंजुरीज, अब इंजुरीज में देखिए 151 रेमेडीज है जिसमें कि आर्निका है
लेकिन बहुत सारा में ये टोटल इंजुरीज का मेडिसिन बट सिमलिमम होना चाहिए, चाहे वो मेंटल सिमलिमम हो, फिजिकल सिमलिमम हो या पर्टिकुलर सिमलिमम हो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल जनरल की, है ना, तो उस चीज के बारे में देखो। तो क्या हुआ, हमने उस बंदे से पूछा कि भाई आपको 5 दिन हो गए तो आप पहले दिन क्यों नहीं आए, आज क्यों आए। वो व्यक्ति बताया कि सर पहले मेरा काम चल रहा था, दर्द उतना नहीं था, दर्द था लेकिन उतना नहीं था, अब तो ऐसा है कि ब्रेक मारना भी मुश्किल हो गया, ब्रेक मारना भी मुश्किल हो गया, आज तो हद हो गया। अब देखिए इसमें क्या ऐसा चीज है जो उसको आपके पास यानी डॉक्टर के पास लेकर आए, क्या चोट उसको लेकर आया? Anybody can tell? No, sir. Hello? No, sir. चोट उसको नहीं लेकर आया, क्या लेकर आया है? काम नहीं कर पा रहा है वो लेके आया। यस यस, कि वो ब्रेक नहीं मार पा रहा, वो ब्रेक मुश्किल मुश्किल लेके आया। हाँ, ब्रेक नहीं मार पा रहा, पहले ब्रेक आसानी से वो मार लिया लगा रहा था लेकिन अब वो ब्रेक नहीं मार सकता। यानी अगर इस ब्रेक को एनालिसिस करेंगे तो ये ब्रेक क्या चीज है, उसका बिजनेस है ना, यानी उसका बिजनेस हैम्पर हो रहा, उसका बिजनेस हैम्पर हो रहा, यानी वो किस चीज की बात किया, बिजनेस का, वो चीज उसको लेकर आया आपके पास। तो क्या लेंगे, टॉकिंग बिजनेस, टॉकिंग बिजनेस। अब इसमें देखिए हमारा 13 रेमेडीज है बट आर्निका माउंट नहीं, इसको ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, वो हमारे पास यानी डॉक्टर के पास वो 5वें दिन आया, यानी ये क्या है सिनेरियो, जिस दिन से चोट लगा और 5वें दिन वो आता है तो इस बीच का जो फासला है वो डिफरेंस, यस इनडिफरेंस है, ठीक है। तो ये इनडिफरेंस क्या है, उदास की निंदा करें, पेन 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 टू दी पेन। अब जब इसको ऐड करते हैं तो देखिए हमारा सिंगल रेमेडी आ और वो है ओपियम। हमने एक रूब्रिक और लिया और वो रूब्रिक था, क्योंकि जब उसका अति हो गया, जब उसका अति हो गया तब वो आया डॉक्टर के पास। तो ये क्या रूब्रिक बना, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, यस फियर एक्स्ट्रावेगेंस, सिंगल रेमेडी। फिबुला से तो ले सकते थे, हाँ यही चीज आपको समझना है, ले सकता है सर। हाँ बहुत सारा हो सकता है, लाइट डिजायर फॉर। डॉक्टर साहब लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट वाला बंदा जो है, क्या आपको ऐसा लगा कि वो जिस हिसाब से बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आज तो हद हो गया, क्या ये हद शब्द जो है वो लाइट की ओर ले जा रहा है,
लाइट मीन्स क्या होता है, सिंपली समझिए, जैसे हम अंधेरे कमरे में, ठीक है, डार्क रूम में, और वहां से किसी सामान को, किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो क्या करेंगे, टॉर्च जलाएंगे या लाइट ऑन करेंगे। लाइट ऑन हुआ, सामान दिखा, हमने उसको पिकअप किया, हमारा काम खत्म। ये लाइट हुआ। आप देखते होंगे कभी पेशेंट आपको पूछता है कि डॉक्टर साहब ये क्या है, यानी वो ज्यादा जोर नहीं देता, बहुत सिंपल में स्विच ऑन हुआ, आपको दिख गया, बस डॉक्टर साहब ये क्या है, अरे ये एक्जिमा है, अच्छा एक्जिमा, ठीक, बस क्लियर हो गया, ये लाइट है। और लाइट के जैसा ही एक रूब्रिक है, वो है कूरियस इनक्विजिटिव। उसमें क्या होता है, उसमें डीप वो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर वो ये पूछता है कि डॉक्टर साहब ये क्या है, तो एक्जिमा है। सर ये एक्जिमा कैसे होता है, तो आपने जो भी जवाब दिया कि कीड़ा होता है या किसी भी कारण से ये हो रहा है, कुछ भी आप बताइए, फिर वो पूछे सर हम तो बहुत ध्यान देते हैं, हम तो बड़ा मतलब एकदम डेली स्नान करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, हमको कैसे हुआ, मतलब कहने का अर्थ ये है वो और डीप चला जाएगा, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए, इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि सड़क पे एक दुर्घटना हो, अगर लाइट वाला बंदा रहेगा तो किसी से पूछेगा क्या हुआ, वो एक एक्सीडेंट, अच्छा वो चला गया। बट अगर वो कूरियस वाला बंदर है तो पूछेगा कि क्या हुआ, एक्सीडेंट, अच्छा अच्छा क्या कुछ हुआ क्या, हाँ एक बच्चे को चोट लगा, अच्छा अच्छा कहाँ का हुआ था, कितना उम्र है, अच्छा मतलब कौन सा गाड़ी मारा, फोर व्हीलर, अरे फोर व्हीलर में कौन सा, ट्रक मारा या 407 मारा या कार मारा, क्या आप देख रहे हैं ना, तो ये कूरियस है। क्लियर हुआ, लाइट एंड कूरियस, सर इनकी जीटी क्लियर कर दीजिए लगे। हाँ, आप जब इनकी जीटी को देखेंगे तो उसको जस्ट रेफर कर दिया गया है कूरियस, तो दोनों को एक समझिए अभी तत्काल, ठीक है जी। और किसी तरह का कोई प्रश्न, सर लाइट को दोबारा समझा दीजिए एक बार। देखिए लाइट में सर डिफाइंस इट, लाइट में क्या होता है ना कि कोई भी एक प्रश्न पूछ लिया और वो साइलेंट, लेकिन कूरियस वाला बंदा क्या है कि वो पूछता चला जाए, बहुत सारा पूछे। जैसे सपोज कीजिए कि डॉक्टर साहब ये जो दर्द हो रहा है ये क्या है, भाई ये अपेंडिक्स, तो कूरियस वाला बंदा क्या करेगा, अच्छा अपेंडिक्स है सर, ठीक दे दीजिए। लेकिन अगर सॉरी ये लाइट वाला बंदा, और कूरियस वाला बंदा होगा तो वो क्या करेगा, वो ये पूछेगा डॉक्टर साहब देखिए यहाँ दर्द हो रहा है ये क्या चीज है, आप चेक करके बताते कि भाई ये अपेंडिसाइटिस का पेन है, ठीक है, तो सर ये कैसे होता है, तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाता है ना, कुछ अन्न के दाने चला जाता है या ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, अच्छा 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 इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होता है, वो तो मतलब समझिए कि उस ऑर्गन का विशेष काम नहीं है, तो इन्फेक्शन कैसे होता है, नहीं, हो जाता है जी,
सर इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या होता है, और इसमें क्या बैक्टीरिया और वायरस आ जाता है क्या? क्योंकि वो तो पेशेंट है और वो कूरियस के स्टेट में है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, वो मेडिकल मैन नहीं है। ठीक है जी सर। वेटिंग यस सर। हाँ जी सर। कुरियर वाला मैंने सबको जानना चाहिए तो। हाँ, कुरियस वाला बंदा क्या करता है ना कि वो बहुत सारा प्रश्न करे, बहुत सारा प्रश्न। सर फ्रिवोला सर इंडिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए। इंडिफरेंस मींस क्या होता है? सबसे पहले देखिए इंडिफरेंस को, अगर इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इन प्लस डिफरेंस, इन प्लस डिफरेंस, इन मींस नो, जैसे होता है ना इनफर्टिलिटी यानी नो फर्टिलिटी, उसी प्रकार से इनडिफरेंस यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है इनडिफरेंस। तो इसमें आप चाहें तो इनडिफरेंस से भी मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा कि ये बंदा इनडिफरेंस क्यों है, यानी किसी चीज की वो प्राथमिकता दे रहा है जिसके वजह से वो इनडिफरेंस। तो पहला तो इनडिफरेंस को देख लें, और दूसरा वो इस चीज के प्रति उदासीन जो है, किस चीज का वो महत्व दे रहा है ना। जैसे ये चोट वाला बंदा में इंडिफरेंस तो था, और किस चीज का इंपॉर्टेंस दे रहा था? बिजनेस का। आप समझ रहे हैं? तो ये इंडिफरेंस हुआ। और फ्रिवोलस में क्या होता है? फ्रिवोलस में वो बहुत ही लाइट मूड में रहता है। फ्रिवोलस में बहुत लाइट मूड में रहेगा, मतलब जैसे किसी चीज से वो बहुत अनजाना, आपको लगेगा कि अरे इसको ये बीमारी है और इसको पता ही नहीं है। फ्रिवोलस वाला बंदा क्या कहता है यदि आप पूछते कब से है ये? अरे सर हमको तो ये भी पता नहीं है कि ये कब से है। अब आप समझ रहे हैं फ्रिवोलस। लेकिन इंडिफरेंस वाले को पता होता है कि उसको दर्द है, सफरिंग है, लेकिन फ्रिवोलस वाले को पता ही नहीं होता है। अब उसको ये भी पता नहीं है कि उसे ये रोग भी है। इस तरह का पेशेंट का वर्जन रहे। ठीक है, इंडिफरेंस। हाँ, इंडिफरेंस क्लियर नहीं हुआ? नहीं। इंडिफरेंस मींस इन प्लस डिफरेंस, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता। इन मतलब नो, किसी तरह का तकलीफ है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी चीज की वो प्राथमिकता दे रहा है ना, किसी चीज की वो प्राथमिकता दे रहा है। ठीक है, जैसे इंडिफरेंस पेन, जैसा कि उस केस में हमने बताया कि इंडिफरेंस पेन टू पेन, क्यों वो इंडिफरेंस था, क्यों वो अनजान था, क्यों उसको फर्क नहीं पड़ रहा था? क्योंकि वो कार चला रहा था आसानी से, है ना, उसका बिजनेस हैम्पर नहीं हो रहा। जब हैम्पर होना शुरू हुआ तब वो आया। तो यानी हैम्पर होना को छोड़ दीजिए, जब तक हैम्पर नहीं हुआ, जब तक उसका बिजनेस स्मूथली चल रहा, तब तक वो इंडिफरेंस रहा। क्लियर हुआ डॉक्टर साहब? सर क्यूरियस सर इंक्विजिटिव में अंतर कीजिए। ये तो अभी बताए ना। सर वेरी वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। कोरिया सर क्यूरियस और इंक्विजिटिव। हाँ, कोरियस और इंक्विजिटिव। आप देखिए उसको दोनों को अभी तत्काल आप एक ही मानिए। ठीक है,
सर हम बोल रहे हैं सर, किसी को आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्यों नहीं, आपका एक्सीडेंट क्यों, मतलब क्या कारण है, तो कोई ना कोई कारण तो बताएगा ही कि हमको ऑफिस जाने में दो दिन से ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, इसी की वजह से नहीं है, है ना। तो अब उसके लिए हम उसको इंडिफरेंस पकड़ लेंगे कि नहीं भाई आप दो दिन से ऑफिस नहीं गया इसीलिए वो है, तो कोई ना कोई कारण अगर पूछेंगे तो कारण तो कुछ ना कुछ तो बताएगा ही वो। जी 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 बताएगा, लेकिन क्या आप ये देखिए कि एक बंदे को चोट लगा और पांच दिन के बाद आपके पास आता, ठीक है, एक बंदा जिसको अभी चोट लगा और अभी ही दौड़ा आ गया, ऐसा होता है? हेलो, यस होता है, कभी कभी होता है। तो सारे लोग अलग हैं, सारे इंडिविजुअल अलग हैं, इसीलिए तो होम्योपैथ में इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट करना। अब एक बंदा ऐसा भी है जिसको चोट लगा भी नहीं और वो प्रिवेंटिव के लिए आ गया, कि डॉक्टर साहब आपके पास कोई ऐसा दवा है जिससे कि हमको भविष्य में टिटनस ना हो? क्यों भाई, क्या आपको चोट लगा है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, चोट लगा नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि हम लोहा का काम करते हैं तो हम पहले ले लेते हैं जिससे कि आगे ना हो। अब देखिए तीन बंदा है और तीनों का कारण एक ही लग रहा है और वो है चोट। एक है कि चोट लगने के पहले आ गया, एक चोट लगा और आ गया, एक को चोट लगा और वो पांचवें दिन आ गया। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर क्लियर है सर, थैंक यू सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर एक आपसे क्वेश्चन है प्लीज। जी जी सर, आपने क्यूरियस और इनक्यूजिटिव का बताया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्यूरियस दो तीन या चार क्वेश्चन करेगा और इनक्यूजिटिव जो है उसकी इंटेंसिटी उससे ज्यादा होगी? क्या मैं सही हूं इसमें प्लीज डेनवाई कर दें। हाँ, इनक्यूजिटिव में क्या होता है ना कि बहुत ही डीप जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे, देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है सर। हाँ देखिए, इनक्यूजिटिव को कुरियस में रेफर कर दिया, ठीक है। तो अभी तत्काल इसी को समझना, ठीक है, कि इनक्यूजिटिव इज इक्वल टू कुरियस, ठीक है सर। जिसको चोट नहीं लगी है वो आ गया तो उसको, हाँ? उसमें क्या रूब्रिक लेंगे? कॉशियस, उसको कॉशियस लेंगे। कॉशियस को कैसे समझेंगे? और देखिए या स्क्रीन में देखिए, ये कॉशियस है और कॉशियस के बगल में एक केयरफुलनेस है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉशियस को समझे, जैसे कभी हम लोग घाटी पार करते, ठीक है, तो घाटी पार करते हैं तो क्या लिखा हुआ रहता है फर्स्ट स्टेप में? बी कॉशियस, यानी कि सावधान हो जाइए। आप अभी घाटी पार नहीं किए, आप घाटी में प्रवेश कर रहे हैं और उसके पहले लिखा हुआ है बी कॉशियस। कॉशियस मीन्स क्या होता है? बिफोर हैंड, ठीक है, यानी होने के पहले। मान लिया जाए कि अभी हमने जो बात किया कि एक बंदा को टिटनस हुआ नहीं है, उसको किसी प्रकार का चोट लगा नहीं है और वो पहले से ही प्रिवेंटिव लेना चाह रहा है, सर कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप हमें प्रिस्क्राइब कर दें जो कि हम जब कभी खा लेंगे कि कभी भविष्य में चोट लगे तो टिटनस से हमको प्रिवेंशन मिल जाएगा, टिटनस नहीं होगा। तो ये क्या है? कॉशियस। आर यू गेटिंग? हेलो, जी सर क्लियर हो गया, थैंक यू सर।
ओके और सर केयरफुल में कैसे होगा सर? केयरफुल में क्या होता है ना कि ड्यूरिंग हैंड, ड्यूरिंग हैंड सर, ड्यूरिंग हैंड मीन्स क्या होता है कि होने के बाद, यहां है कि होने के पहले और वहां है होने के बाद, ठीक है। जैसे सर जब हमको पता चला कि हमको डायबिटीज है तो हमने चीनी वगैरह सर बंद कर दी एकदम, ये सब हम एकदम केयरफुल हो गए, एकदम सावधानी बरतने लगे, चीनी छोड़ दिए, आलू छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिए, डायबिटिक डाइट में आ गए। तो ये क्या है? ड्यूरिंग हैंड, जब आप घाटी में प्रवेश कर जाते हैं तब फिर क्या लिखा हुआ रहता है, ड्राइव केयरफुल्ली। आपने देखा है केयरफुल में क्या होता है ना कि जब बीमारी हो जाता है और उसके बाद वो सतर्क होता है ना, उसी तरह से जैसा कि घाटी में आप बीच में जाते हैं तो लिखा हुआ मिलता है ड्राइव केयरफुल्ली। क्लियर है? हेलो सर। हेलो, हाँ जी, यस सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। केयरफुल ऑफ, और एक है केयरफुल फुल ऑफ केयर, दोनों में डिफरेंस कीजिए। हाँ, ये केयरफुल देखिए यहां हुआ केयर रखना हुआ, केयरफुल ऑफ। हेलो हेलो, यस सर, बोलिए सर। ये केयरफुल ऑफ, केयरफुल ऑफ और केयरफुलनेस, केयरफुलनेस हमने जो बताया वो है। और फुल ऑफ केयर्स में क्या होता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। यहां क्या होता है, जैसे ये थोड़ा सा इसके पहले हमको एंजाइटी को समझना हो, इसके पहले एंजाइटी को समझना हो, एंजाइटी मीन्स क्या होता है, चिंता है ना, किसी चीज की चिंता, जैसे बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, पैसों की चिंता। तो चिंता में क्या होता है, हम केवल और केवल सोचते क्या होगा, कैसे होगा, क्या भविष्य रहेगा, इस बारे में सोचते हैं, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन फुल ऑफ केयर्स में क्या होता है ना कि एंजाइटी प्लस एक्शन, एंजाइटी प्लस एक्शन, हम सोचते भी है और करते भी है, ठीक है। ये चीजें जैसे मान लिया जाए एक मदर है और यदि एंजाइटी वाला है तो सिर्फ वो सोचेगी कि बच्चा टिफिन ले गया या नहीं ले गया, कुक बना के दिया या नहीं दिया। लेकिन अगर ये मदर फुल ऑफ केयर्स वाली होगी तो वो क्या करेगी, वो टिफिन चेक करेगी, बैग चेक करेगी कि बच्चे को टिफिन मिला या नहीं मिला, और अगर मिला तो क्या मिला। यानी फुल ऑफ केयर्स में क्या है, एंजाइटी प्लस एक्शन। आर यू गेटिंग? यस सर, यस सर। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ओके, और भी कुछ है नहीं के बाद फिर हम आगे। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर, एक पेशेंट आई है सर, उसने बोला कि जैसे वो बीमारी ले गई तो उसने बोला कि मुझे जड़ दवाई नहीं चाहिए, मतलब मैं चार पांच दवाई नहीं चाहिए, मुझे मात्र एक दवाई चाहिए, तो इसमें लाइट डिजायर ले सकते हैं सर? यहाँ पे आप थोड़ा सा ये पूछ सकते हैं, वो कह रही मुझे दवाई चाहिए नहीं, मुझे एक सिंगल मेडिसिन चाहिए कि मुझे ज्यादा दवाई मुझे मिलेंगे, ज्यादा बोल नहीं चाहिए अपने सर पे, और दवाई के लिए अब इस टाइम लेनी है, अब इस टाइम लेनी है। हाँ हाँ, वो लाइट होगा, वो लाइट होगा, आप समझना है।
यदि कोई भी पेशेंट आपको आके ये कहता है अथवा कहती है कि डॉक्टर साहब हमें ज्यादा दवाई नहीं चाहिए, तो उसके इंटेंशन को समझना है। मे बी वो लाइट हो सकता है, लाइट डिजायर फॉर्म है, बिजनेस टॉक्स भी हो सकता है, ठीक है जी सर, एवर आइज भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, इंटेंशन देखना हो। सर बिजनेस टॉक्स कैसे होगा? ये बिजनेस टॉक्स देखिए इसमें क्या है, टॉक्स ऑफ बिजनेस। अभी जैसे टॉक्स में क्या होता है ना, नॉर्मल फॉर्मल बातचीत होता है, फॉर्मल बातचीत होता है, एकदम सिंपल टॉक, इस चीज को आप समझ लीजिए। और बिजनेस मीन्स क्या होता है, आप बिजनेस मतलब क्या समझते हैं? बिजनेस मतलब सर काम, उसका पेशेंट का काम, प्रॉफिट और लॉस हो। यस यस। गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर राजकुमार मिश्रा। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी, कैसे हैं? ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बिहार जी सर? जी जी जी। नियर आसाम? नियर आसाम बांग्लादेश। यस यस। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, लाभ हानि, जहां लाभ हानि का बात होता है ना, और बड़ा ही प्लेन होगा वो, जो टॉक होगा वो प्लेन होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर को छोड़कर आपके पास आता है, तो आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि वो छोड़कर क्यों आया। अरे डॉक्टर साहब एक महीना दवा खाए कोई फायदा नहीं हुआ तो हम छोड़ दिए, तो आपके पास आए। देखिए उसने क्या बात किया, आप समझिए, लाभ हानि का बात किया, ये बिजनेस टॉक्स है, ठीक है, क्लियर हुआ सर? हेलो। वो पेशेंट का ये कहना कि कम दवाई दीजिए, वो बिजनेस कैसे हुआ सर? मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा दवा देंगे, ज्यादा पैसा लेंगे, लाभ नहीं होगा। मान लिया जाए कि आप 10 दिन का दवाई देंगे, ठीक है, उसको फायदा नहीं होगा, वो देखना चाहता है कि अगर 4 दिन में फायदा हुआ तो हम आपका दवाई कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे तो ये बिजनेस टॉक्स हुआ या नहीं? बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। एंजाइटी में क्या होता है, सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। एंजाइटी में सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसमें चिंता रहेगा, यानी केयर वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आप जो भी एंजाइटी ले लीजिए, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट हिज, ये सारा मेडिसिन सिर्फ सोचता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेम प्लीज। रूब्रिक है। हाँ जी। हाँ सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ सर, झारखंड गढ़वा से। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। एक रूब्रिक है सर। हाँ जी। डिलीरियम लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर, इसका थोड़ा समझाइए तो। डिलीरियम लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम फ्लूड सर, फ्लूड। हाँ ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें आपको डिलीरियम को समझना होगा। यस सर। डिलीरियम क्या होता है? डीरेलमेंट। यस सर। डीरेलमेंट, ये चीज को मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस रूब्रिक को समझने में
हमें 3 साल लगा इस वर्ड को सिर्फ डिलीरियम 3 years, तब जाके ये जेहन में हमारे दिलो दिमाग में ये समझ में आया कि डिलीरियम एक्चुअली होता क्या है ना। ये मैंने पटना सेमिनार में बहुत अच्छी तरह से बताया, शायद उस सेमिनार का वीडियो किन्हीं के पास होगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो डिलीरियम मीन्स क्या होता है? डिरेलमेंट। डिरेलमेंट मीन्स पटरी से उतर जाना। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, और इस बीच मैं गाली देना शुरू कर दूं तो आप लोगों को क्या लगेगा कि अरे डॉक्टर साहब को क्या हो गया, अभी अभी तो ठीक थे, अभी अभी तो बता रहे थे, ये क्या हो गया? ये डिलीरियम है, यानी पटरी से उतर जाना, ये एक्यूट मैनिफेस्टेशन आपको वो चीज दी। और डिलीरियम क्या है? ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक। कौन सा रूब्रिक है? ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक। अब इसमें क्या, लॉस ऑफ फ्लूइड्स। लॉस ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स क्या होता है? हमारे शरीर में फ्लूड है, ठीक है, बहुत तरह का फ्लूड है, ब्लड है, सीमेन है, ठीक है, मोस्टली ये। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये मेंटल पार्ट में दिया हुआ, मेंटल सेक्शन में दिया हुआ, तो ये मेटाफोरिकली दिया हुआ है ना, ये मेटाफोरिकली दिया हुआ, ठीक है, ये मेटाफोरिकली दिया हुआ है, यानी सटल मीनिंग, यानी जिसके बगैर मेरा काम नहीं चल। यदि किसी के बॉडी से ब्लड निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बॉडी काम नहीं कर पाए, या उसका जो, उस बॉडी का जो एफिशिएंसी होगा वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फ्लूइड है, तो मेटाफोरिकली इस चीज को समझना है। अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी का या किसी परिवार में किसी का डेथ हो जाता है, जो कि सर्वे सर्वा, जिसके वजह से वो पूरा परिवार चल रहा है, ठीक है, और उसका डेथ हो जाता है, तो यहां हम इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि वो बंदा उस परिवार के लिए फ्लूड है। अब आपका ये कहना होगा सर कि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ क्यों नहीं ले सकते? हमें ये देखना होता है कि पेशेंट का जो इंटेंशन है वो किस चीज पर ज्यादा दबाव दे रहा है। जानते हैं सर, इनके डेथ के बाद से पूरा घर जो है ना एकदम, क्या बोलिए, उनके चले जाने के बाद ये घर चल नहीं रहा, आप समझ रहे हैं? तो ये इंटेंशन होगा, हमको उस चीज को लेना है, पेशेंट क्या बोल रहा है, और बोल रहा है तो किस चीज पर वो ज्यादा जोर दे रहा है, किस वर्ड पे ज्यादा जोर दे रहा है, उस चीज को हमें देखना है, उस चीज को हमें समझना है। यदि एक छोटा सा पॉइंट मिस हो रहा है तो रूब्रिक बदल जाए। डॉक्टर अरविंद कुमार, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस सर, यस सर। हाँ सर, क्लियर हुआ? यस सर।
सर एंजाइटी फ्यूचर अबाउट एंड एंजाइटी बिजनेस अबाउट में क्या फर्क है? मैम इसमें आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एंजाइटी जो है वो सिर्फ एंजाइटी वाला बंदा सोचता है ना, वो बैठ के सोचेगा तो किस चीज के बारे में सोच रहा है? फ्यूचर के बारे में। वो आपको पता चल जाएगा, वो आके बैठेगा, वो बोलेगा क्या होगा भविष्य मेरा, क्या होगा, कैसे चलेगा। और यदि बिजनेस वाला है तो फिर वो बिजनेस की बात करेगा, और केयर वाला बंदा वो करेगा, उसमें एक्शन होता है। एंजाइटी में एक्शन नहीं, बस इस चीज को आपको समझना। आर यू गेटिंग? नहीं सर, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, फ्यूचर तो हुआ भविष्य, भविष्य में। अच्छा, भविष्य, भविष्य वर्ड का इस्तेमाल करेगा, है ना? मतलब बिजनेस में he'll talk about his work. जी। एंड फ्यूचर में जैसे अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में तो जैसे बिजनेस तो उनका दे हैव अ बिजनेस की बच्चों को देखना है, घर देखना है, दैट इज अ बिजनेस ना, दैट इज देयर बिजनेस। यस यस। अब एक घरेलू महिला है तो उसका बिजनेस क्या होगा? या घर का काम होगा। जी सर, है ना? और कुछ जैसे सर स्टूडेंट जो होता है उसका जो है बिजनेस पढ़ना लिखना होता है, घरेलू और घर का काम। और स्टूडेंट का बिजनेस क्या होगा? पढ़ाई, पढ़ाई होगा सर। बिल्कुल। बच्चों का, बच्चे जो है ना उनका बिजनेस तो खेलना कूदना होता है, उसको भी इस कंटेस्ट में ले सकते हैं सर? यस यस यस। लेकिन बच्चे को समझ, बच्चे को समझ में आना चाहिए लाभ आने। जी जी सर, जो लेडीज होती है उनको घर का काम पसंद नहीं है, या तो वो करना नहीं चाहती या कर नहीं सकते, तो बिजनेस इनकैपेसिटी, बिजनेस एवजन लेना है या हाउसहोल्ड इंडिपेंडेंस देना है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, जो लेडीज हाँ. है उनको घर का काम पसंद नहीं है या कर नहीं सकते है, तो उनके हाँ. लिए बिजनेस इनकैपेसिटी, बिजनेस एवर्जन लेना है या फिर इंडिफरेंस टू हाउस होल्ड ड्यूटी लेना है? ये समझना होगा आपको, प्रत्येक वर्ड को पोस्टमार्टम करना होगा, क्योंकि इंडिफरेंस जो है वो अलग है, हमने पहले जी. बताया। हाँ ठीक है जी सर। दूसरा, दूसरा क्या है? नेक्स्ट रूब्रिक। दूसरा कह रही थी सर बिजनेस इनकैपेसिटी कह रही थी मेरे ख्याल से, बिजनेस एवर्जन। तो ये जो इसमें एवर्जन जो वर्ड है उसको समझ, एवर्जन मींस क्या होता है? अनिच्छा, यानी पहले इच्छा थी अब नहीं है, पहले इच्छा थी अब नहीं है। जैसे पहले, पहले नमक खाने की इच्छा थी अब नहीं है, पहले प्रेम था अब प्रेम नहीं है, ये एवर्जन है जी। हेलो, नेगलेक्ट से जरा डिफरेंस कीजिए ना, क्या बिजनेस नेगलेक्ट भी है? हाँ है, पहले एक चीज समझ लीजिए, तो एवर्जन। नेक्स्ट मैम क्या है आपका रूब्रिक? इनकैपेसिटी। अब इनकैपेसिटी मीन्स क्या होता है? कि अब वो नहीं कर पा रहा, अब वो नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या था एवर्जन में? कि पहले वो मन से करता था, अब इच्छा नहीं है। और इनकैपेसिटी में क्या है ना, कि उसकी इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहा। जी सर। नेगलेक्ट, नेगलेक्ट मींस क्या होता है? कंप्लीट नेगलेक्ट कर देना, नेगलेक्टिंग समथिंग, यानी एकदम नेगलेक्ट कर देना, एकदम प्लेन जाइए, हमको नहीं करना है, क्या बिजनेस है, हमको बिजनेस नहीं करना, ये नेगलेक्ट हुआ। नेगलेक्ट, अब जैसे आप सल्फर में देखिए, नेगलेक्टिंग बिजनेस में
ये बंदा क्या करता है कि कंप्लीट बिजनेस को छोड़ देता है ड्यू टू एनी रीजन ओपियम सल्फर, ये क्या करता है बिजनेस को एकदम छोड़ देता है। और इमर्जन वाला, इमर्जन में क्या होता है ना कि पहले उसकी इच्छा थी अब नहीं है, तो उसका बोलने का तरीका अलग हो, वो कैसे बोलेगा सब, अब काम करने में मन नहीं लग रहा, ठीक है। और नेग्लेक्टिंग में क्या होता है ना, वो कंप्लीट छोड़ देता है, आपको वो चीज दिखेगा और उसका बोलने का तरीका, जैसे हम लोग किसी को नेग्लेक्ट करते तो कैसे बोल देते, तो उस हिसाब से आपको नेग्लेक्टिंग बिजनेस में दिखेगा। सर जो भी रूब्रिक्स एवर्जन वाले हैं तो वो सभी में ऐसे ही लेना है कि पहले उसको पसंद नहीं था, पसंद था अभी नहीं है। जी हाँ वो है बात। सर नेग्लेक्टिंग, सर नेग्लेक्टिंग में मतलब मुझे करना ही नहीं है, दैट इज नेग्लेक्टिंग। यस, करना ही नहीं है। अच्छा। अभी मेरे को दर्द हो रहा है, आज ये दर्द हद से ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं करूंगा, ये नेग्लेक्ट हुआ, नो, डायरेक्ट नो, है ना। और एवर्जन वाला में क्या है ना, एवर्जन वाला में क्या सर, ये ऐसे भी तो हो सकता है सर ये ऐसे भी हो सकता है, कहते जी कि मैं जब मुझे दर्द होता है तो मैं काम छोड़ देती हूँ। हाँ आप देखिए ना, स्टेट एकदम बोल रहे, यस सर ये नेग्लेक्टिंग है सर, यस यस ये स्टेट वर्जन है एकदम, ठीक है। सर एक वर्जन वो कहती है जी मुझसे काम नहीं होता, मैं काम नहीं कर सकती, एक होता है कि जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं काम करना छोड़ देती हूँ। हाँ ये नेग्लेक्टिंग, यस सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया सारे लोगों का?